इस तरह के पैटर्न बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हाय फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिवाकर राज ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीजी पैटर्न बनाना सीखेंगे, जिसे हम लोग खोरठा पैटर्न, नागपुरी पैटर्न या टपोरी पैटर्न भी कहते हैं। इस तरह के पैटर्न बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत सारे रिमिक्सर इस तरह के पैटर्न नहीं बना पाते हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो को देखकर आप आसानी से इस तरह के पैटर्न बना पाएंगे। सीजी पैटर्न बनाने के लिए बहुत सारे सैंपल पैक का ज़रूरत होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे मेरे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले एक पैटर्न लेंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं, चैनल रैक पर क्लिक करेंगे, इसका BPM कुछ हाई कर लेंगे, हम यहाँ 160 कर लेते हैं। एक कोई सॉफ्ट किक को ऐड करेंगे, हम यहाँ GRB किक 2 को ऐड करते हैं। एक अच्छा सीजी पैटर्न बनाने के लिए हमें पियानो रोल पर काम करना पड़ेगा, इसके लिए आप किक पर राइट क्लिक कर पियानो रोल पर क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्ट पियानो रोल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके किक को सेलेक्ट करेंगे, इसे यहाँ से बड़ा कर लेंगे। ये साइड में जो पियानो दिख रहा है, ये पियानो रोल के साथ सुर हैं। हम यहाँ जो भी काम करेंगे C5 पर करेंगे, इस पर क्लिक करके 1/2 स्टेप को सेलेक्ट करेंगे। हम जो भी पैटर्न बनाते हैं वो बार के अंदर बनाते हैं, ये बार होता क्या है इसे समझ लेते हैं, तभी हम पैटर्न को बना पाएंगे। एक और दो के बीच का जो पार्ट है उसे बार कहते हैं। एक बार में 4 बीट होते हैं और एक बीट में 4 स्टेप होते हैं। एक और दो के बीच का जो मोटी मोटी लाइन है उसे बीट कहते हैं, और बीट के अंदर जो पतली पतली लाइन है उसे स्टेप कहते हैं। तो चलिए पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। C5 में बीट 1 पर क्लिक करेंगे और इसको हल्का छोटा करेंगे, फिर दूसरे बीट के 3 खंड बाद क्लिक करेंगे, फिर तीसरे बीट पर क्लिक करेंगे, फिर चौथे बीट के 3 खंड बाद क्लिक करेंगे। अब इसको प्ले करके देखते हैं। किक का नॉर्मल मास्टरिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफी अच्छा सुनने में लग रहा है। इसमें क्लासिक फील लाने के लिए किक के साथ झनकार को ऐड करेंगे, आप कोई भी एक झनकार को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ तमरीन 9 को ऐड कर लेते हैं। तमरीन 9 को ऐड करेंगे, किक पर राइट क्लिक करके फिर कॉपी पर क्लिक करके इसे कॉपी करेंगे, इसके बाद तमरीन 9 पर पेस्ट करेंगे, इसका वॉल्यूम को हल्का कम करेंगे। काफ़ी अच्छा सुनने में लग रहा है। आप ढोलक 35 को ऐड करेंगे। फिर पियानो रोल पर क्लिक करेंगे। इसे दूसरे और चौथे बीट के 1 खंड पहले फिल करेंगे। और भी अच्छा सुनने में लगने लगा। फिर से इसमें एक कोई झनकार को ऐड करेंगे। हम यहाँ झनकार 5 को ऐड करते हैं। इस पर राइट क्लिक करके फिर फिल ईच 4 स्टेप पर क्लिक करेंगे। हमारा सीजी पैटर्न बनके तैयार है। आप चाहे तो इसमें और भी सैंपल पैक ऐड कर सकते हैं। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए हम और कुछ नहीं ऐड करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस FLP प्रोजेक्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले ध्यान दें दोस्तों, फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है,
जो कि 4 स्टेप में है। इसका पासवर्ड वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पासवर्ड को प्राप्त कीजिए, फिर इस फाइल को डाउनलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।